दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारी किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मट्ठी, बादाम मट्ठी, बादाम के शेप जैसी मट्ठी। इसके लिए हम लेते हैं एक कटोरी मैदा, इसका तेल, अजवाइन, नमक और सोडा, और ये गरम किया हुआ है पानी। सबसे पहले एक कटोरी की मैदा हमने परात में ले लिया है। अब हम इसमें आधा एक चम्मच से थोड़ा सा कम अजवाइन लेंगे, स्वाद के नमक डाल देंगे, एक चौथाई से भी कम मात्रा के अंदर हम इसमें सोडा डालेंगे। इसमें हम डालेंगे तेल। जितना आप मैदा लेते हैं उसका 25%, मैदे के वजन का 25%, जैसे 1 किलो मैदा है तो उसमें 250 ग्राम तेल डाल देंगे। अगर आपके पास वनस्पति घी है तो मोयन के रूप में वनस्पति घी डालिएगा, उससे मट्ठी बहुत अच्छी बनती है। घी नहीं है तो आप तेल भी डाल सकते हैं, आप इसे देसी घी भी डाल के बना सकते हैं। जितना मैदा है उसका 25%, मैदे के वजन का 25% उसमें तेल मिला दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए हमें अपना हाथ ही यूज़ लेना पड़ेगा। अपने हाथ से इसको अच्छी तरह से 4 मिनट भले ही लग जाएं, लेकिन अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। फिर हमने इसमें गर्म पानी डाल दिया है और गर्म पानी डाल के इस आटे को अच्छी तरह से कूट लिया है। कम से कम 5-7 मिनट तक अच्छी तरीके से मैदे को गूंदना है। जितना बढ़िया आप मैदे को गूंदेंगे उतनी बढ़िया इस मैदे में लोच आएगी और उतना ही बढ़िया ये आपकी मट्ठी बनेगी। मैदा जितना टाइट आप रख सकते हैं उतना टाइट रखने की कोशिश कीजिएगा। अब इस मैदे को हम एक ढक्कन लगाकर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के बाद में इस मैदे को एक बार फिर अच्छी तरह से गूंद लें। अपने हाथ से मजबूती से अच्छी तरह से हमने मैदे को गूंद लिया है। अब हम इसकी गोलियां बना देंगे। इतने बड़े मैदे की हमने 2 गोली बना दी है। अब इसको आटे में मैदे में लपेटन लगाकर बेलेंगे। दोनों तरफ हमने मैदा लगा दिया है। अब बेलन से समतल सतह पर हम अच्छी तरह से इसको लंबा बेलेंगे। घर पे जो आप चपाती बनाते हैं चपाती से तो हल्का सा पतला बेलना है हमको, इसको ज़्यादा भी पतला नहीं बेलना है, पर चपाती से थोड़ा सा पतला हम इसको लंबी साइज में चौकोर साइज में बेल देंगे। सबसे जो मुख्य बात मट्ठी बनाने में आपको ध्यान रखनी है, मैदे को जब हम लगाएंगे तो उसको गर्म पानी से ही लगाएंगे। जितना मैदा हमने लिया है उसमें 1 कटोरी मैदे में 1 चुटकी सोडा डालेंगे। दूसरे रूप में मैं आपको बताऊं, जितना आप नमक डालते हैं उसका आधे से भी कम सोडा डाल दीजिए। एक हिसाब ये भी है क्योंकि इसको तोल कर आप करेंगे तो ऐसा घर पे करना मुमकिन नहीं होता है। तेल के लिए आपको मैदे का 25% 1/4 तेल लेना है वजन के, और नमक स्वाद के हिसाब से आप डाल देंगे, और सोडा है जितना आप नमक डाल रहे हैं ना उसका आधे से भी कम, उससे और कम भी डालेंगे तो भी चलेगा। और मैदे को गर्म पानी में ही डालना है। ये हमने 1 लोई को बेल दिया है। अब हम इसके ऊपर तेल का हल्का हल्का हाथ लगा देंगे। ध्यान रहे तेल को ज़्यादा दबा के मसल मसल के नहीं लगाना है, हल्के हाथ से ही इसके ऊपर तेल लगाना है। ज़्यादा दबा दबा के मसल के तेल लगाएंगे तो ये परत तेल सोख लेगी। अब ये जो हमने लोई बेली है इसके ऊपर हमने हल्के हाथ से तेल लगा दिया है, और अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा फैला देंगे हल्का हल्का, और थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर हल्दी भी लगा देंगे, इससे मट्ठी का कलर सुनहरा आता है।
हल्के हाथ से इसको फैला देंगे आटे को और सॉरी मैदे को और तेल को, और अब इसको इस तरीके से धीरे धीरे हम बेल देंगे। इस जो बेले हुई जो भाग है इसकी जो किनार है इसके किनार पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि तलते वक्त इसके ये जो रोल है वो तेल में खुले नहीं। पानी लगा दिया है हमने किनारे पे, अब हम हल्के हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से बेल देंगे। इससे सारे जॉइंट आपस में मिल जाए और तेल के अंदर ये अलग अलग ना हो पाए, इससे आपका ये रोल थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। अब हम एक तीखी धार वाले चाकू से बिल्कुल सम आकार के बराबर साइज के इस तरीके से पीस काट देंगे। एक कटोरी आटे के अंदर ये ऐसे दो लंबे रोल बने हैं और अब हम इनको इस तरीके से चाकू से बराबर आकार के एक साइज के काट देंगे। इससे मट्ठी भी एक साइज की ही बनेगी। ये सारे पीस कट चुके हैं, अब हम एक एक पीस को इस तरीके से लंबा पहले हाथ से धोएंगे और इस तरीके से बेलेंगे। इसको आधा टेढ़ा नहीं बेलना है, आधा टेढ़ा बेलने से इसकी लेयर्स फूलेगी नहीं। एक बार अच्छी तरीके से आप इसको देख लीजिए ताकि आपकी मट्ठी एक साइज की और सुंदर निकले। हमने ये एक पीस लिया है, हाथ से दबाया है और इस तरीके से बेला है। इस प्रक्रिया को आप ध्यान से देखिएगा, पीस लिया, हाथ से दबाया और इसे लंबा बेला। इसको लंबा ही बेलना है। ये सारे लंबे लंबे पीस बेले जा चुके हैं। अब हम तेल गरम कर रहे हैं। पहले हम आंच को पूरा तेज रखेंगे, अपेक्षाकृत तेल ज़्यादा लेना है क्योंकि ये आइटम फूलेंगे। अब हम तेल गरम हो गया है तो हमने इसकी आंच कम कर दी है। जितनी मिनिमम आंच कम कर सकते हैं उतनी मिनिमम आंच कम हो जानी चाहिए तेल के गरम होने के बाद में। आंच कम करने के बाद में ये सारे पीस इस तरीके से एक एक करके हम छोड़ देंगे। तेल गरम हो चुका है, ध्यान रहे तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है, लिमिट का। अगर एक बार गरम हो गया दो चार मिनट तक जितना गरम हो जाता है, पाँच मिनट तक जितना गरम हो जाता है उतना गरम कर दीजिए। फिर आंच को एक दम स्लो से स्लो कर दिया है, धीरे धीरे 10 मिनट के अंदर ये जो मटियाँ हैं ये फूलने लग जाएगी और ये ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। जब ये ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम आँच को थोड़ा सा मीडियम लेवल पर ले आएंगे। 5 मिनट तक और हम इसको पकने देंगे। लगभग तेल में डाले हुए मट्ठी को 20 मिनट का समय हो चुका है, 10 से 15 मिनट में ये फूल के ऊपर आई है और 5 मिनट हमको मीडियम आंच करके हो गया है। और अब हम नीचे से ये हल्की सी लाल हो चुकी है और थोड़ी सी कड़क भी हो चुकी है, इन मट्ठियों को एक चाकू छोटे चाकू से इनको एक एक करके धीरे धीरे पलट देंगे, ध्यान रहे ये टूटे नहीं। अब 5 मिनट तक हमने इनको और पकने दिया है और आंच को पूरा तेज कर दिया है। जब अंतिम समय में जब ये पूरी तरफ से पकने के करीब हो जाती है तो आंच को तेज कर देना चाहिए, मट्ठी को धीरे आंच में छोड़ना चाहिए और निकालते वक्त इसकी आंच मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर आंच मैक्सिमम नहीं है तो मट्ठी तेल पी लेगी। मट्ठियाँ करारी करारी लाल कलर की हो चुकी हैं, ज़्यादा जलना नहीं देना चाहिए। अब हम इनको धीरे धीरे करके कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। देखिए मट्ठियाँ कैसे फूल चुकी है और कितनी सुंदर दिख रही है। हलवाई भी ऐसी मट्ठियाँ आपको बना के नहीं देंगे, इतनी बढ़िया मट्ठियाँ आप घर पर तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बड़ी सामान्य विधि है, दो चार छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और ऐसे